और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर जी हिंदुस्तान की एक और एक्सक्लूसिव जानकारी जी हिंदुस्तान के पास है। जी हाँ, जी हिंदुस्तान की एक और एक्सक्लूसिव जानकारी, सिंघू बॉर्डर पर इंटेलिजेंस और CIG के अधिकारी भी तैनात कर दिए गए हैं। किसानों की सुरक्षा को देखते हुए इंटेलिजेंस की तैनाती की गई है। इनपुट के आधार पर रोजाना बढ़ाई जा रही है फोर्स। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं अधिकारी। नीरज गौर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट उनसे लेते हैं। नीरज, क्या जानकारी, इनपुट बढ़ाई, इनपुट के आधार पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सिंघू बॉर्डर के आसपास के रास्ते जो बंद हैं, उसके बाद से जो सिंघू बॉर्डर का आने और जाने का जो रास्ता है वो बंद है, जिसकी वजह से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं, यहाँ पर IB के तमाम अधिकारी हैं, जो कि स्पेशल ब्रांच जो कि दिल्ली पुलिस की है वो यहाँ पर है, और उसी के साथ हरियाणा के जो CID है उसके भी तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं और पल पल की जानकारी जो है MHA तक पहुंचती है। और उसके बाद से तमाम यहाँ पर जो फोर्स है वो बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोजाना यहाँ पर जो किसानों की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। तकरीबन जहाँ पर सिंघू बॉर्डर से अगर पीछे की बात की जाए तो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तक जो किसान है वो पहुंच गए हैं। आज आज अमित शाह से मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसे सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर कहा था, और वो भी नेशनल लेवल पे। वो भी क्या इनपुट के आधार पे था जिस पर सियासी सवाल भी उठने लगे थे? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, और मैं आपको बताऊं कि IB के भी जो बड़े अधिकारी हैं वो कई बार यहाँ पर आकर के पूरा मुआयना कर चुके हैं और पल पल की जो जानकारी है वो जो उनका हेड डिपार्टमेंट है वहां तक पहुंचा रहे हैं, उसके बाद सरकार तक बात पहुंच रही है। शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना वैक्सीन पर सावधान करने वाली खबर है। ये वैक्सीन आएगी भी तो शुरुआत में ही इतनी कम होगी कि सबको मिलना मुश्किल है, और इसी का फायदा उठाकर कोरोना वैक्सीन पर इंटरनेशनल माफिया भी अब सक्रिय हो चुके हैं। बस्ती बसी नहीं और लुटेरे पहले ही आ गए, कुछ ऐसा ही हो रहा है कोरोना वैक्सीन के मामले में। पूरी दुनिया में वैक्सीन को लेकर तैयारी हो रही है, लेकिन उससे पहले ही इंटरनेशनल माफिया नकली वैक्सीन को बाजार में उतारने को तैयार हैं। चिंता इस बात की है कि नकली वैक्सीन से लोगों के स्वास्थ्य पर ही बुरा असर नहीं पड़ेगा बल्कि इससे जान को भी खतरा हो सकता है। इसको लेकर इंटरपोल ने पूरी दुनिया को आगाह किया है। इंटरपोल के महासचिव जुर्गेन स्टॉक ने अपने एक बयान में चेताया है, दुनिया की तमाम सरकारें वैक्सीन के लिए तैयारी कर रही हैं। इसके साथ ही दुनिया भर में क्रिमिनल नेटवर्क भी एक्टिव हो सकते हैं और फर्जी कोरोना वैक्सीन की बिक्री इंटरनेट से लेकर फिजिकल स्तर पर हो सकता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ ही जान पर भी खतरा हो सकता है। यानी कोरोना के जो वैक्सीन अभी आई नहीं, उसके आने से पहले ही फर्जी माफिया तैयार हो गए हैं। इंटरपोल की माने तो क्रिमिनल नेटवर्क फर्जी वैक्सीन के साथ लोगों को ठगने की कोशिश कर सकते हैं। चूंकि डिमांड के मुताबिक कोरोना वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं होगा, इसीलिए नकली वैक्सीन को बाजार में उतारकर माफिया बड़ा खेल खेल सकते हैं। जरूरत इनसे आम लोगों के साथ ही सिस्टम के भी सचेत रहने की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI के कई ठिकानों पर आज देश भर में छापेमारी हुई है। ईडी की छापेमारी में कई आपत्तिजनक खुलासे हुए हैं। वहीं बिहार में स्थानीय लोगों ने ईडी की टीम को कुछ देर के लिए घेर लिया। आज देश भर में फैले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर जांच के क्रम में कार्रवाई की गई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 राज्यों में PFI के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने ये छापेमारी दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल में की। इस क्रम में बिहार के दरभंगा में ईडी की टीम को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। ईडी अधिकारी PFI के जिला सचिव के घर पहुंचे थे, जहां छापेमारी के दौरान 6 अफसरों को बंधक बनाया गया। PFI पर जांच का शिकंजा। ईडी ने PFI के चेयरमैन OM अब्दुल सलाम के दफ्तर की भी तलाशी ली। PFI पर दिल्ली में दंगे और CAA के खिलाफ प्रदर्शन के लिए फंडिंग के आरोप हैं। जांच के दौरान ईडी ने 17 बैंकों में 73 बैंक खातों की भी पहचान की है, जिसमें 120 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इनमें से 27 बैंक खाते PFI के और 9 खाते PFI से जुड़े संगठन RIF के हैं। बाकी 37 खाते अलग अलग नाम पर हैं। आरोप है कि RIF के खाते में विदेशों से 50 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया था, जबकि RIF के पास विदेशों से फंड लेने की मंजूरी नहीं है। यह भी आरोप है कि इन खातों में जमा 120 करोड़ रुपए CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 1 से 2 दिनों के अंदर ही निकाल लिए गए थे। वही मिस्र के पिरामिड के सामने एक मॉडल के हॉट फोटो शूट ने बवाल मचा दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट देखिए।
तस्वीरों को मोरल शिमी के इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया गया और मामला इतना बढ़ गया कि इन तस्वीरों को खींचने वाले फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फोटो शूट करने वाले फोटोग्राफर के मामले को अदालत के पास भेज दिया गया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला हिंदुस्तान पर जारी है। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।